आज मैं आपको इस वीडियो में मानव रोग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाता है कि जो रोग होते हैं, तो जो रोगों के नाम दिए रहते हैं, उनमें से एक को छांटना होता है, बताना होता है कि ये रोग किस किनके कारण होते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, बैक्टीरिया के कारण होते हैं, या वायरस के कारण होते हैं। दोस्तों, आप कुछ इसका मैंने ट्रिक बनाया है, अगर आप इसको ध्यान से याद रखेंगे तो आपको आने वाले परीक्षाओं में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो दोस्तों, ये ट्रिक है मापा सोपे का। तो मापा सोपे का जो है ये ट्रिक बनाया मैंने कि प्रोटोजोआ जो है, यानी परजीवी, तो उससे होने वाले रोग हैं मापा सोपे का। मतलब कि माँ से मैंने मलेरिया लिया है, या मलेरिया का माँ लिया है, और पायरिया का पा, सोने की बीमारी का सो लिया, और पे से पेचिस का पे लिया है, और कालाजार का का। तो हो गया दोस्तों मापा सोपे का। तो मापा सोपे का ऐसा तो ऐसा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये जो बीमारी है उसका पहला अक्षर है। तो मापा सोपे का एक अलग हट कर वर्ड है, जिससे आपको समझ में आएगा कि दोस्तों ये परजीवी यानी प्रोटोजोआस द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो मापा सोपे का, माँ से मलेरिया, पा से पायरिया, सो से सोने की बीमारी, पे से पेचिस, का से कालाजार। मापा सोपे का। तो दोस्तों, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग थे। अब दोस्तों देखेंगे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले जो रोग हैं वे कौन से हैं, और उसे कैसे जल्दी से जल्दी याद कर लेंगे, ताकि प्रोटोजोआ को अलग कर सकें, विषाणु को अलग कर सके, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को पहचान सके ये कौन से रोग हैं जो कि बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं, उसका ट्रिक मैंने बताया है, ध्यान सुनेंगे। टी है टाक्ष डिप्ले कानी कोगोसी। 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 तो टी से दोस्तों इसको मैंने तीन बार बांट दिया है, और जैसे कि टी है टाक्ष, इसमें चार बीमारी हैं, बीमारी का नाम का शॉर्टकट है। उसके बाद डिप्ले कानी, इसमें भी चार हैं, और कोगोसी में तीन हैं। तो सात जीवाणुओं द्वारा होने वाला मुख्य जो रोग हैं वे सात तरह के रोग हैं, क्षमा करेंगे, आठ तीन ग्यारह तरह के रोग हैं। ठीक है, तो ये रोग है जो 11 तरह के रोग हैं वे हैं कौन सा देखेंगे। तो टी है टैक्स, तो टी से टिटनेस दोस्तों, है से हैजा, टा से टाइफाइड, और अच्छा से जो है क्षय रोग यानी टीबी रोग। उसके बाद है कि दोस्तों फिर से देखें, टी है टैक्स का, टी से टिटनेस, है से हैजा, टा से टाइफाइड, अक्षर से क्षय रोग। उसके बाद डिप्ले कानी से देखते हैं दोस्तों, तो डी डिप्ले कानी का डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, का से काली खांसी, और नी से निमोनिया। फिर से देखेंगे डिप्ले कानी का डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग। दोस्तों देखें, डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, का से काली खांसी, और नी से निमोनिया। डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, का से काली खांसी, और नी से निमोनिया। तो ये डिप्ले कानी है दोस्तों। अब देखते हैं कोगोसी से क्या निकलता है। दोस्तों देखेंगे कोगोसी, तो को से कोढ़ होता है, को से कोगोसी का, को से कोढ़, गो से गोनेरिया, ठीक है, सी से सिफिलिस। तो को से कोढ़, गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस। दोस्तों कोगोसी, को से कोढ़, गो से गोनोरिया, सी से सिफिलिस। तो दोस्तों ये था जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, और ये जो 11 जो रोग हैं जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। ठीक है, और
अगर हम चाहेंगे तो इन दोनों को याद करके वायरस को आसानी से छांट सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।